जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता के साथ होंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कक्षा छठी से लेकर कक्षा दसवीं तक के सारे विषय हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कहीं जाने की, कहीं इधर उधर खसकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग यूट्यूब के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी ट्यूटर्स के साथ जुड़िए और अपने स्टडी को पूरा कीजिए, ठीक है। आइए बात करते हैं, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के प्रथम चैप्टर सूरत के पद के बारे में, ठीक है। जिसके राइटर कौन है? सूरदास जी के बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सूरदास के बारे में बताया जाएगा। एक हम लोग वीडियो बना रहे हैं जिसमें सिर्फ राइटर के बारे में स्पेशली बताया जाएगा। उसमें सिर्फ ए टू जेड राइटर के जीवनी जो होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ सूरदास के पद के बारे में, पद की व्याख्या करेंगे, ठीक है। किस प्रकार व्याख्या किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, हाँ, और अर्थों को किस प्रकार समझा जाता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं सूरदास के, सूर के पद पे, पद संख्या एक। क्या है पद संख्या एक? सबसे पहले हम पंक्तियों को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिए। अब के राखी लेहु भगवान, हो अनाथ बैठियो दुमडारियां, परिधि साधे बान, ताके डरहो भजियो चाहत ऊपर ढुकियो सचान, दुहु भाती दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अही डसियो पराधी कर छुटियो संधान, सूरदास सर लगियो सचा नहीं जय जय कृपा निधान, ठीक है। अब सूरदास जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सूरदास जी ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। सूरदास जी ईश्वर का क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। इसमें एक कहानी है, ठीक है। एक छोटी सी चिड़िया है जो क्या है, अनाथ है, और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। और क्या प्रार्थना कर रही है आइए देखते हैं। क्या बोल रही है? अब के राखी लेहु भगवान, अब के राखी लेहु भगवान, राखी लेहु मतलब बचा लीजिए, हे प्रभु आप मेरी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए, आप मुझे बचा लीजिए। क्यों बचा लीजिए? हो अनाथ बैठी ड्रूम डारिया, मैं अनाथ हूँ मतलब क्या, असहाय हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। बैठी ड्रूम डारिया मतलब बैठी हूँ कहाँ, वृक्ष की डाल पर, कहाँ बैठी हूँ मैं, अनाथ हूँ और वृक्ष की डाल पर बैठी हुई हूँ। पारदी साधे बांध, पारदी मतलब बहेलिया, कौन बहेलिया, शिकारी कह सकते हैं। साधे बांध, साधे हुए हैं मेरे ऊपर क्या, तीर साधे हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ताके डर हो भजियो चाह, ताके मतलब जिसके, डर हो मतलब डर से, भजियो भजियो मतलब भागना, चाहत मतलब चाहती हूँ, जिसके डर से मैं भागना चाहती हूँ। परंतु क्या हुआ, ऊपर ढूंढियो संचान, ऊपर ढूंढियो सचान मतलब ऊपर क्या है, सचान मतलब होता है बाज, क्या सचान मतलब होता है बाज। देखिए यहाँ पर अर्थ मैंने बढ़िया से लिख दिया है, सचान मतलब क्या होता है, बाज। मैं जिसके डर से भागना चाहती हूँ, परंतु क्या, यहाँ पर सचान जो है वो मेरे ऊपर क्या है, मंडरा रहा है, ठीक है। तो मैं कहाँ भाग, कहाँ जाऊँ, दुहु भाती दुख भयो आनी, यह दुहु भाती मतलब दोनों तरफ से, दुख मतलब दुख, भयो आनी मतलब आ गया है यह, ठीक है। कौन उबारे प्राण, मेरे प्राणों को कौन रक्षा करेगा, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। हाँ वही छोटी चिड़िया ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी दोनों भाती से क्या हुआ, दुख से घिरी हुई हूँ, ऊपर बाज है और नीचे बहेलिया है, मैं अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करूँ, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, ठीक है। सुमिरत ही अही डसियो पराधी, सुमिरत मतलब क्या, सुमिरत मतलब क्या, देखिए याद करते हैं, जैसे ही वो याद करते हैं ईश्वर को, अही अही मतलब होता है सांप, ठीक है। डसियो मतलब डस लेना, पारधी मतलब क्या, पारधी मतलब होता है वो शिकारी, ठीक है। पारधी मतलब क्या, शिकारी, शिकारी को क्या करती है, डस लेती है। कर छुटियो संधान मतलब उसके तीर से क्या होता है, तीर से सॉरी बाण से क्या होता है, तीर मतलब धनुष से जो तीर होता है वो छूट जाता है, ठीक है। सूरदास सर लगियो सचा नहीं, सूरदास जो बोला सर, सूरदास जी ये बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सोचेगा सूरदास सर मतलब सूरदास का सर नहीं, सूरदास जी कह रहे हैं सर लगियो सचा नहीं मतलब जो यहाँ से तीर छूटा वो जाके कहाँ लगा, सर में, किसके, सचा नहीं यानी बाज के जाके सर में लग गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जय जय कृपा निधान, और इसको क्या हो गया, मुक्ति मिल गया, माने परदी मर गया और बाज मर गया, दोनों तरफ से क्या हो गया, दोनों तरफ से इसके प्राणों की रक्षा हो गई, ठीक है। आइए एक बार फिर समझते हैं। अब के राखी ले भगवान, हे भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए, हो अनाथ बैठी ढूंढारिया, मैं अनाथ हूँ और पेड़ की डाली पर बैठी हुई हूँ, पारधी साधे बान, जो शिकारी है बहेलिया है वो मेरे ऊपर क्या, तीर साधे हुए हैं, ताके डर हो भजियो चाह, जिसके डर से मैं भागना चाहती हूँ, ऊपर ढुकियो सचान मतलब जो ऊपर मेरे सर के ऊपर क्या है, बाज मंडरा रहा है, जो मेरे प्राणों को क्या, प्राणों को हर लेना चाहता है। दुख दुहु भति दुख भयो आनी है, दोनों ही तरफ से क्या, मेरे प्राणों को संकट है, नीचे बहेलिया है और ऊपर बाज है, मैं जहाँ जाऊँगी वहीं मारी जाऊँगी, ठीक है। यह कौन उबारे प्राण,
मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों को कौन बचाएगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। सुमिरत यही डसियो पारधी। जैसे ही चिड़िया ने भगवान का सुमिरन किया, माने याद किया, भगवान का किया आह्वान किया, याद किया, अही डसियो पारधी, मतलब सांप निकल का कहा पारधी, यानी शिकारी को क्या किया, डस लिया। कर छुटियो संधान, क्या हुआ, हाथ से का हुआ उसका बाण छूट गया। सूरदास सर लगियो सचाने, सूरदास जी कर रहे वो जो बाण छूटा वो जाकर कहाँ लगा, डायरेक्ट जाकर लगा उस बाज के सर में, ठीक है, जय जय कृपा निधान, और उस बाज का अंत हो गया। जिसके कारण क्या हुआ, कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही समाप्त हो गए, ऊपर बाज भी समाप्त हो गया और नीचे बहेलिया भी समाप्त हो गया, और चिड़िया का प्राणों की रक्षा हो गई। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखेंगे, देखिए व्याख्या करने पहले संदर्भ समझते हैं। संदर्भ में लिखेंगे ये कहाँ से लिया गया, ठीक है, किस पाठ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, देखिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य मेला के सूर के पद नामक पाठ से लिया गया है, बस। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, सॉरी इसके रचनाकार सूरदास जी हैं, ठीक है, सूरदास हैं, रचनाकार कौन है, सूरदास है, ये लिख लीजिएगा, सूरदास कौन रचनाकार है। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखेंगे, दोनों का सबका मूल भाव क्या है, तो प्रस्तुत पद में कवि ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो बात है, अब एक काम करेंगे हम, इसका जो व्याख्या है वो आपके डिस्प्ले पे यहाँ पर अभी दिखाई देगा, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट करने के बाद आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, या वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं सूरदास के पद संख्या दूसरी की ओर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ये पंक्ति है उसको क्या पद है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, छाड़ी मन हरि विमुख के संग, क्या बोल रहे हैं सूरदास जी, छाड़ी मन हरि विमुख के संग, छाड़ी मतलब छोड़ दो, मन हरि विमुख के संग मतलब जो ईश्वर का विरोधी है उसके साथ क्या करो, छोड़ दो। जाके संग कुबुद्धि उपजे पड़त भजन में भंग, काम क्रोध मद लोभ मोह में निसी दिन रहत उमंग, कहाँ भयो पैपान कराए विष नहीं तपत भुजंग, कागही कहाँ कपूर खियावे स्वान नहावे गंग, खर को कहाँ अर्गजना लेपन मरकत भुजंग अंग, पाहन पतित बान नहीं भेदत रीतो करत निसंग, सूरदास खल करी कमारी चढ़े न दूजो रंग। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अर्थ में क्या बोला गया है, छाड़ी मन हरि के विमुख के संग। ठीक है, छाड़ी मन हरि विमुख के संग मतलब क्या, छाड़ी मतलब छोड़ दो, मन हरि विमुख के संग मतलब जो ईश्वर का विरोधी है, सूरदास जी क्या करे, जो ईश्वर का विरोधी है उसका संग क्या करो, छोड़ दो। ठीक है, जाके संग कुबुद्धि उपजे परत भजन में भंग, जिसके साथ रहने पर, जिसके साथ रहने पर मन में क्या हो रहा है, मस्तिष्क में क्या हो रहा है, कुबुद्धि मतलब गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, परत भजन में भंग, और आपके भजन में क्या हो रहा है, भजन में यानी भजन कीर्तन में क्या हो रहा है, भंग पड़ रहा है यानी बाधा आ रही है, तो उसका साथ क्या करो, तुरंत छोड़ दो। काम क्रोध मद लोभ मोह में निसी दिन रहत उमंग, वो व्यक्ति जो दिन भर, ठीक है, निसी दिन मतलब दिन भर, काम क्रोध मद लोभ मोह में हमेशा क्या करेगा, काम क्रोध मद लोभ यही में क्या करेगा, दिन भर अपना समय बिता देगा। ठीक है, इसी में जिंदगी जियान कर लेगा अपना, तो इन लोगों का साथ रहने से क्या है, उन लोगों का साथ रहने से ही मन में क्या होगा, बुरे विचार बुरे ख्याल आएंगे, इसीलिए सूरदास जी बोल रहे हैं इनका साथ क्या करो, छोड़ दो। इसके साथ कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, कागही कहाँ कपूर खियावे, सॉरी कहाँ भयो पैपान कराए, ठीक है, कहाँ बोला, कहाँ भयो पैपान कराए विष नाभ तपत भुजंग, इसमें कह रहे हैं कि सांप को, ठीक है, सांप को अगर हम दूध पिलाएंगे, सांप को अगर हम दूध पिलाएंगे तो क्या वो विष उगलना छोड़ देगा, विष उगलना सांप का स्वभाव होता है, डसना तथा विष उगलना। ठीक है, तो आप कितनों कोशिश कर लीजिए, सांप को कितना दूध पिलाइए तो क्या वो विष उगलना नहीं छोड़ेगा, यही सूरदास जी समझाना चाहते हैं। ठीक है, कागही कहाँ कपूर खियावे, अगर आप कौआ को कपूर खिलाइएगा, ठीक है, तो वो कोयल की तरह मीठा वाणी नहीं बोलेगा, वो उसका स्वभाव है कड़वा बोलना, वो कड़वा ही बोलेगा। ठीक है, स्वान नहावे गंग, स्वान आप लोग यहाँ स्वान समझ रहे होंगे, स्वान माने हंस होता है, परंतु यह स्वान माने हंस नहीं है, स्वान माने कुत्ता होता है। ठीक है, कहना चाहते हैं यहाँ पर स्वान नहावे गंग, कुत्ता को यदि आप गंगा जी में नहलाइएगा, ठीक है, गंगा जी में नहलाकर सोचेगा कि शुद्ध हो गया, तो वो शुद्ध नहीं होगा, वो उल्टा क्या करेगा, वो फिर जाके गंदी चीज़ में क्या करेगा, अपना मुँह देगा, कुत्ता का स्वभाव होता है खराब चीज़ में मुँह देना। खर को कहा अर्गजना लेपन, खर माने क्या होता है, गधा, खर माने गधा, गधा को अगर आप अर्गजना लेपन मतलब चंदन का लेप, अगर गधा को आप चंदन का लेप लगा कर सोच रहे हैं कि वो बुद्धिमान बन जाएगा ज्ञानी बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, संभव ही नहीं है, गधा को आप कितना चंदन का लेप में नहला दीजिए उसको, लेकिन कोनो वो बुद्धिमान बनने वाला नहीं है, वो गधा का गधे रहेगा। मरकत भूसंग, ठीक है, बंदर को
बंदर को बोल रहे, बंदर को अगर आभूषण से ढक दीजिएगा तो वो राजा कुमार राजकुमार नहीं लगेगा, वो बंदर है बेटा, वो तोड़ के फेंकिए देगा, ठीक है। बंदर के हाथ में नड़ियल, सुने कि नहीं, तो वही बात है। मरकत भूजन अंग, मतलब बंदर के हाथ में अगर आप बंदर के शरीर में क्या आभूषण से भर देंगे तो भी वो क्या राजकुमार नहीं बन जाएगा, वो आभूषण काटा करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। पाहन पतित बाण नहीं भेदत, आप लाख पत्थर पे क्या पत्थर पे बाण पे बाण मारिए, तीर पर तीर मारिए, तो क्या वो पत्थर तोड़ देगा, कहने का मतलब पत्थर वो नहीं भेद सकता, ठीक है, वो पत्थर नहीं भेद सकता। रीतो करते संत, उल्टे में क्या होगा, आपके तर्कस का तीर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सूरदास खलकरी कमारी चढ़े न दूजो रंग, सूरदास जी कहते हैं जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार काले कपड़े पर यानी काले चादर पर, ठीक है, किसी दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार इन लोग बकलोलों को समझा कर, जो कौन काम क्रोध मद लोभ में फंसा हुआ है, इन लोगों को समझा कर कोनो काम बुद्धि सॉरी कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इन लोगों को कितना इन लोगों के साथ रहोगे तो बुद्धि उपजेगा, इसीलिए क्या करो, इसका साथ छोड़ दो। सूरदास जी प्रस्तुत पद के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो भक्ति में बाधा डालता है उसका शंका करो, छोड़ दो, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग इसकी व्याख्या को समझ गए होंगे, संदर्भ समझेंगे, पहले संदर्भ क्या लिखते हैं, देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं, संदर्भ प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य मेला के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचना का सूरदास जी हैं, ठीक है। प्रसंग में क्या लिखे हैं, इस पद में कवि ने ईश्वर के विरोधी के साथ छोड़ देने के लिए कहा है, ठीक है। इसकी व्याख्या को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका स्क्रीन पर व्याख्या आ जाएगा, अब उस व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सूरदास के पद संख्या तीसरी की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके पद को पढ़ लेंगे, उसके बाद संदर्भ समझेंगे, उसका प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। यशोदा मदन गोपाल सुहावे, देखी शयन गति त्रिभुवन, कांपे इस विरंची भ्रमावे, असीत अरुण सीत आलस लोचन, उभय पलत परि आवे, जनु रविगत संकुचित कमल जगु, निशी अले उड़न ना पावे, स्वाद उदर उर्सित यो मानो, दुग्ध सिंधु छवि पावे, नाभि सरोज प्रकट पद्मासन, उत्तरी नाल पछितावे, कर सिर तर करी श्याम मनोहर, अलख अधिक शोभावे, सूरदास मानो पनगपति प्रभु, ऊपर फन छावे, ठीक है। अब इसके संदर्भ को सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे, तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य मेला के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचनाकार सूरदास जी है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास भगवान श्री कृष्ण के निद्रावस्था का वर्णन किया है। इस प्रस्तुत पद में क्या लिखा गया है, निद्रावस्था, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के निद्रावस्था का वर्णन कौन किया है, सूरदास जी इस पद में किए हैं। चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं, ठीक है। जो सुधा मदन गोपाल सुहावे, जो सुधा मतलब माता यशोदा, मदन गोपाल मतलब श्री कृष्ण, सुहा मतलब सुला रही है, माता यशोदा जो है वो श्री कृष्ण को सुला रही है। देखी शयन गति त्रिभुवन कांपे इस विरंची भावे, ठीक है। देखी शयन गति मतलब उनकी सोने की अवस्था को देखकर, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों के स्वामी कौन, तीनों लोकों का स्वामी कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश, कांपे इस विरंची भावे मतलब भय से क्या हुआ, कांपने लगे हैं, ठीक है। इनके सोने की दशा को देखकर जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो क्या भय से कांपने लगे हैं, क्यों, क्योंकि अब क्या सो जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी विध्वंस हो जाएगी, ठीक है। असीत अरुण सीत आलस लोचन, उभय पलत परि आवे, मतलब असीत मतलब जो शीत के कण है, ठीक है, आलस रूपी जो शीत के कण है वो क्या श्री कृष्ण के पलकों पर क्या है विराजमान है, जो अब उनको क्या आंखें धीरे धीरे वो खोल रहे हैं, तो क्या उभय पलत परि आवे, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, कहीं से सोता है तो पलक परकाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार श्री कृष्ण में क्या है, क्योंकि श्री कृष्ण में क्या है उस समय बाल्यावस्था में छोटे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपने पलकों को फलका रहे हैं, ठीक है, पलकों को क्या कर रहे हैं, फलका रहे हैं। जानू रविगत संकुचित कमल, जुग निशी अले उड़न ना पावे, जानू मतलब जानकर, रवि मतलब सूर्य, गत मतलब क्या होता है, रविगत संकुचित मतलब जब जानकर क्या, कमल जब देख रहा है कि सूर्य क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो कमल जुग निश अली मतलब कमल क्या कर रहा है, अपनी कमल अपनी पंखुड़ियों को समेट रहा है, ठीक है। जानू रविगत संकुचित कमल, जुग निशी उड़न ना पावे मतलब सूर्य के अस्त की अवस्था को देखकर कमल क्या कर रहा है, अपना पंखुड़ियों को समेट रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, निशी अली उड़ ना पावे, जो भावरे उस कमल में कमल का रस चूस रहे थे वो क्या उसी में फंसकर रह जाते हैं और उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। निशी अली उड़ ना पावे मतलब उड़ नहीं पाते हैं। स्वाद उदर उर्सित यो मानो, ठीक है, उसके अंदर अब वो लोग हैं, ठीक है, उसके उदर उदर माने उनके हृदय में, ठीक है, उसी
उसी त्यो मानो, मतलब उनके अंदर का जो हृदय का स्वाद था वो इतना मतलब स्वादिष्ट था, इतना मतलब मनमोहक था, ठीक है, मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मतलब दूध के, दुग्ध मतलब क्या, दूध, सिंधु मतलब नदी, ठीक है, दूध की नदी में वो लोग क्या कर रहा है, नहा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूध की नदी में वो लोग क्या तैर रहा है। नाभि सरोज प्रकट पद्मासन उतरी नाल पछतावे, नाभि, नाभि मतलब नाभि, ठीक है, सरोज मतलब कमल, प्रकट मतलब प्रकट पद्मासन, मतलब ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण के नाभि पर क्या है, कमल पद्मासन के रूप में बिछाया हुआ है, ठीक है। उतरी नाल पछतावे, उससे उतर कर ये भौर क्या पछता रहे कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, ठीक है ना, उसीलिए क्या पछता रहे। कर सिर तरकरी श्याम मनोहर अलग अधिक स्वभावे, मतलब यहाँ पर अब सूरदास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण सो रहे हैं, ठीक है ना, वो कैसे सो रहे हैं, तो अपने अपने हाथ पर क्या अपने सिर को रखकर सो रहे हैं, ठीक है। कर सिर तर करी श्याम मनोहर, मतलब अपने हाथों पर अपने सर को रखकर श्री कृष्ण सो रहे हैं, और यह दृश्य इतना मनमोहक है, मनोहर अलग अधिक स्वभाव है, मतलब इतना सुंदर दृश्य है, देख कर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, मतलब सूरदास उसको बयां नहीं कर सकते, ठीक है, अपने भाषाओं में उसको बयां नहीं कर सकते, यही चीज़ है, ठीक है। सूरदास मानो पनकपति प्रभु ऊपर फन फैलावे, पनकपति मतलब होता है शेषनाग, सूरदास जी कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शेषनाग जो है वो क्या है श्री कृष्ण के ऊपर अपने फन फैलाए विराजमान है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आप लोग इसके व्याख्या को समझ गए होंगे, आपके स्क्रीन पर अब इसकी व्याख्या दिखाई देगा डिस्प्ले पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसका उसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग सूरदास का जो पद है, प्रथम चैप्टर है, जो कि क्लास 8 का प्रथम चैप्टर है, ठीक है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड वीडियो में हम लोग सूरदास से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे और अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो हम आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता के साथ होंगे और अपने माता पिता को प्यार दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।